नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज दर्शित में। तो काफ़ी टाइम बाद गाइज आपके लिए फिर से जेन्युइन अपडेट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब मैंने गाइज क्या कर दिया है कि जो बेफालतू की मतलब जैसे जो अपडेट्स हैं मतलब जो मतलब बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, खाली आपका टाइम वेस्ट है, वो देनी बंद कर दिया। अब सीधा जब भी हरियाणा बोर्ड से कोई भी बड़ी अपडेट आएगी, कोई भी सही अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आएगी या कोई न्यू चेंज होगा, वो मैं आपको सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम करूँगा। तो जैसे आज हरियाणा बोर्ड की दो लेटेस्ट अपडेट आई हैं, तो दोनों में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि उत्तर पुस्तिका को स्कैन करेगा बोर्ड, शिक्षक डिजिटल तरीके से करेंगे जांच। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या बात है। जैसे कई कॉलेजेस में ये होता है, जैसे IITs वगैरह में भी ये होता है, आप जैसे कॉपी आराम से आप अपनी उसमें लिख दो, मतलब जैसे आपकी उत्तर पुस्तिका आती है वैसी उत्तर पुस्तिका होती है, उसके अंदर आप अपनी कॉपी लिख दो, उसके बाद बोर्ड जो है वो बड़ी बड़ी स्कैनर मशीन से आपकी आंसर शीट जो है वो स्कैन होंगी। उसके बाद जो टीचर्स होंगे या तो कंप्यूटर पे या फिर टैब से जो है वो मोस्ट प्रोबेबली टैब से जो है वो आपको उत्तर देखेंगे और उसके ऊपर डिजिटली रूप से मार्किंग करेंगे। यानी उनके पास आपकी जो कॉपी है वो फिजिकल रूप से नहीं जाएगी जैसे पहले जाती थी, जैसे आपके स्कूलों के अंदर होता है ऐसे नहीं चेक होंगी, वो आपके डिजिटली स्कैन होंगे और डिजिटली प्रिंट होगी। इससे क्या होगा कि कई बार जैसे है ना गड़बड़ी के आरोप लगते थे, मतलब वैसे हरियाणा बोर्ड में होती नहीं ऐसे, पर फिर भी हरियाणा बोर्ड जो है वो मतलब मैं कह रहा हूँ जो नए चेयरमैन है वो बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल जो चीटिंग लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो जाए और किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ियाँ हैं खामियाँ हैं सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं उनको पूरी तरह से कवर कर दिया जाए। तो उसी कड़ी में एक स्टेप जो हरियाणा बोर्ड ने लिया है कि अब जो है वो उस एंड से भी की कहते थे कि मार्किंग में चेकिंग में गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उस एंड में भी हरियाणा बोर्ड ने लूप होल को जो है वो ख़त्म कर दिया है अपने, और मतलब जो है वो बिल्कुल ये बता दिया है कि मतलब आप जो है वो मतलब अब जो कॉपियां हैं वो आपकी ऑनलाइन डिजिटल रूप में चेक होंगी। और दूसरी बड़ी अपडेट हरियाणा से ही है कि हरियाणा बोर्ड की जो 9th से 12th क्लास के जो है वो एनरोलमेंट है वो भी शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, जो बच्चे इस बार 9th में आए या 11th में आए, उन जो बच्चे 9th में आए हैं पहली बार, उनका सभी का जो है वो एनरोलमेंट होगा। 11th में केवल उनका होगा जो दूसरे बोर्ड से चेंज करके आए हैं, 10th 11th 12th क्लास में जो दूसरे बोर्ड से हरियाणा बोर्ड में आए हैं तो उनका एनरोलमेंट होगा। ये काम जो वो स्कूल को करना है, आप अपने स्कूल में एक बार चले जाएं, एक बार अपने टीचर से बात कर ले ताकि आपको कोई भी आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो 9th और 11th की जो 50 रुपये पर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो है वो फीस है वो भी आपको अभी जमा करवानी पड़ेगी, वो भी आप अपने टीचर से बोल के टाइम रहते जमा करा ले। तो ये काम तो जो है वो आपका स्कूल का है, बस आपको अपने टीचर से जो है वो रेगुलर मिलना है और अपने टीचर से कांटेक्ट में रहना, वो आपका स्कूल का काम वो आपका हो जाएगा। बस मेन अपडेट ये थी कि अब आपकी जो आंसर की शीट्स हैं वो आपकी डिजिटली चेक होंगी। तो हरियाणा बोर्ड का ये अच्छा कदम मैं मानूंगा कि एक और कड़ी में लिया गया है जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब बच्चों को फ़ायदा होगा और मतलब जो एक मन में रहता है वो डाउट क्लियर होगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट ना छूटे। धन्यवाद।